अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। डीसीपी श्रीनिवासन ने सोमवार को एक विशेष आदेश जारी करते हुए एसएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के नजदीक गोलडिगी को ओपन जेल घोषित कर दिया है। डीसी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर पंजाब सरकार की ओर से लगाए गए कर्फ्यू का बठिंडा के लोग पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूमकर कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने स्कूल को ओपन जेल बनाया है ताकि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को ओपन जेल में रखा जा सके। उन्होंने बठिंडा के लोगों से अपील की है कि वह कर्फ्यू का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रखें। अब प्रशासन सख्ती करेगा और जो कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा उस पर मामला दर्ज कर ओपन जेल भेजा जाएगा। कोविड 19 कोरोना वायरस नु रोकने वास्ते 144 सीआरपीसी दी जेडी सेक्शन लागू कीती है माननीय डीसी बठिंडा वालों, ते उस नु सख्ती नाल लागू करने वास्ते होर इफेक्टिव बनाने वास्ते अज जिहड़ा हैगा जिन्नियां हैगियां रोड्स डबल रोड सी इन्हां नूं सिंगल कर दिता गया, जिवें माल रोड सारी जिहड़ी हैगी इहदा वन वे बंद कर दिता ते वन वे चलेगा इहदा। इस तरह अमरीक सिंह रोड है स्टेशन तों आउण वाली सद्भावना चौंक है इन्हां नूं बिल्कुल लॉक कर दिता गया। इत्थे आउण वाला बंदा जिहड़ा हैगा उहदे वास्ते जे उह कर्फ्यू वायलेट करके आउंदा उहदे वास्ते इक टैंपरेरी जेल भी जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ SSD ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਗੋਲਡੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 144 CRPC ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 51 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।